ओके, तो आज का ये फॉर्म आप जो देख रहे हो ना, इसे अगर आप एक घंटा यूज करोगे तो इससे आपको 36,000 से भी ज्यादा शुरकिन मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बोनविल का जुगाड़ कर लेना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बोनविल फॉर्म है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बहुत ही जल्द मैं बोनविल फॉर्म का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अब इस फॉर्म को बनाने के लिए जो जो सामग्री आपको चाहिए होगी उसका मैंने एक लंबा सा लिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके, तो चलो अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कर लेना है एक अच्छी सी जगह जहां आप इस फार्म को बनाओगे। फिर आपको ऐसे यू के आकार के ब्लॉक्स को तोड़ लेना है। फिर यहां के दो ब्लॉक्स को हटा के यहां रखो रेडस्टोन टॉर्च। फिर यहां सॉलिड ब्लॉक, यहां भी सेम। अब यहां रखो पावर रेल, यहां नॉर्मल रेल, यहां भी पावर रेल और नॉर्मल रेल। फिर यहां के डर्ट के एक लेयर को हटाओ और यहाँ डर्ट को हटा के आपको यहाँ पे रखना है डबल चेस्ट। फिर क्राउचो के लगाओ हॉपर जो चेस्ट से जुड़ा होगा। आप यहाँ चाहो तो एक हॉपर का भी यूज कर सकते हो, दो का भी यूज कर सकते हो और चार का भी। अगर एक हॉपर यूज करोगे तो हॉपर माइनक्राफ्ट शुगरकेन ट्रांसफर करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, और अगर यहाँ पे चार हॉपर के यूज करोगे तो चीजें जो है वो जल्दी से चेस्ट के अंदर आता जाएगा। तो चाहे आप हॉपर एक यूज करो, दो यूज करो या फिर चार, इससे कुछ नहीं होगा। बस होगा ये कि ज्यादा हॉपर देने से चीजें जो है वो से चेस्ट के अंदर आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे चार हॉपर का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो पाउडर के ऊपर आपको रखना है डर्ट। फिर यहाँ के डर्ट को हटा दो ताकि आसानी से आप चेस्ट को ओपन कर पाओ। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ग्लास दे रहा हूँ ताकि बार बार मैं नीचे ना गिरता रहूं। ओके, तो अब आपको यहाँ पे देना होगा सॉलिड ब्लॉक। आप कोई भी सॉलिड ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे करके ब्लॉक्स को आपको भी रख देना है। तो अब इन दो ब्लॉक्स को हटाओ, फिर यहाँ डालो पानी, फिर यहाँ दो टेम्पररी ब्लॉक और यहाँ डिस्पेंसर जिसका फेस होगा मिट्टी यानी डर्ट की ओर। इनको भी हटाओ और यहाँ पे लगाओ एक और डिस्पेंसर और इसका भी फेस होगा मिट्टी यानी डर्ट की ओर। फिर यहाँ एक ब्लॉक, यहाँ टेम्पररी और एक सॉलिड ब्लॉक, यहाँ भी एक सॉलिड ब्लॉक और उस टेम्पररी ब्लॉक को हटा दो। फिर यहाँ रखो एक रेडस्टोन रिपीटर जिसका डायरेक्शन होगा फार्म के बैक साइड की ओर, यहाँ रेडस्टोन डस्ट और यहाँ रेडस्टोन टॉर्च। तो देखना ये फ्लिकरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे एक लीवर को देके इसे करो ऑफ और फिर यहाँ रेडस्टोन डस्ट देके डिस्पेंसर से करो कनेक्ट। तो देखना दोनों डिस्पेंसर ही कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ। तो बताने के लिए इनको फिलहाल के लिए रखते हैं। तो अब इसे करो ऑन, तो देख सकते हो दोनों डिस्पेंसर से ही चीजें बाहर आ रहा है। और अब यहाँ एक लेयर दो सॉलिड ब्लॉक का, इसको छोड़ देना है ताकि आप दोनों डिस्पेंसर के अंदर बोन मिल को रख पाओ। और अब यहाँ लगाओ शुगरकेन, फिर यहाँ रखो पिस्टन और इसके ऊपर ऐसे करके रखो ऑब्जर्वर जिसका लाइट होगा फार्म के बैक साइड की ओर। फिर यहाँ सॉलिड ब्लॉक और इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट। फिर इसे करो सॉलिड ब्लॉक से कवर। तो ऐसे करके सॉलिड ब्लॉक देके इसको कवर कर देना है और इस वाले लेयर को हटा देना है। और यहाँ पे लगाओ ग्लास ताकि अंदर का नजारा आप देख सको। अब इन ग्लास को हटा देते हैं ताकि ये चेस्ट ओपन कर सके। और अब आपको चाहिए थोड़ा बोनविल। आप जितना चाहो बोनविल रखो, कोशिश करो कि बोनविल थोड़ा ज्यादा रखने की ताकि आपको ज्यादा शुगरकेन मिल सके। ओके, तो ऐसे बोनविल को डिस्पेंसर के अंदर आपको भी रख देना है। और अब इसको हटाओ, रखो हॉपर माइनकार्ट और उसे थोड़ा धक्का दे दो तो वो अपना काम करता रहेगा। फिर ब्लॉक को वापस से रख दो। अब यहाँ के दो ब्लॉक्स को हटाओ। तो ये वाला मेथड आप चाहो तो कर भी सकते हो, वरना आप ना भी करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। ये मेथड इसलिए ताकि काम हो जाने के बाद हॉपर माइनकार्ट को भी ऑफ कर सको, ताकि इसका साउंड आपको परेशान ना कर सके। तो ऐसे यहाँ पे रखना है एक लीवर, तो अब जब चाहे इसे ऑन या ऑफ कर पाओगे। डिजाइन के लिए आप ऐसे ब्लॉक्स को रख सकते हो। तो अब इसको अगर ऑन करोगे तो देखोगे यहाँ पे शुगरकेन की बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस फार्म को चाहे आप एक घंटा चलाओ या फिर दो घंटा या फिर चलाओ इसे लाइफ लॉन्ग, बस डिपेंड करता है आपके पास कितना बोन मिल है। और इससे एडेड एक अनलिमिटेड बोन मिल फार्म को भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के वीडियोस डालता रहता हूं। और हां, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियोस अपलोड होने के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।